दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मैं स्पेशली बीकॉम पास के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। आज की वीडियो मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो कि पूरे साल पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बच्चे ऐसे देखे हैं इस साल के जो कि पूरे साल पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि जॉब करने लग जाते हैं या प्रोफेशनल कोर्स करते हैं या फिर कोई अदर रीज़न के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, अपने बीकॉम को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अगर उनके पेपर नज़दीक आ रहे हैं तो वो कैसे अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड आपको मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, जिसको अगर आप अपनाएं तो ज़रूर आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपनी कम दिनों की प्रिपरेशन से भी। तो चलिए हम बात करते हैं आपके सिलेबस से। अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपका सिलेबस दो हिस्सों में बांटा है, पहला तो थ्योरी सब्जेक्ट्स और सेकेंड है आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर मैंने इंक्लूड करा है बॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, सेकेंड आपका रखा है बिजनेस लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ, और थर्ड आपका रखा है ह्यूमैनिटीज ग्रुप वन ऑफ द मिल। ठीक है, ये जो है आपकी तीन थ्योरी सब्जेक्ट में मैंने आपका रखा है, और सेकेंड मैंने आपका रखा है प्रैक्टिकल, जो कि है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं दोनों के लिए आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी बताऊँगा कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं बोलकर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ थ्योरी सब्जेक्ट पर। पहले थ्योरी सब्जेक्ट को लेकर बैठ रहे हैं और आपके पेपर जो हैं काफ़ी नज़दीक हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप प्रूफ को प्रेफर कर सकें, आप बुक को पढ़ सकें, तो आपके लिए यही बेस्ट रहने वाला है कि आप पिछले 10 साल की क्वेश्चन खोलिए और उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, थ्योरी सब्जेक्ट में आप पिछले अगर 10 साल के क्वेश्चन करेंगे तो आप इजीली अंडरस्टैंड समझ सकते हैं। ठीक है, पढ़ना आपको ऐसे है कि आपको 2 से 3 बार उन्हीं 10 साल में जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हीं को अच्छी तरह रीड करना है और समझ समझ के रीड करना है। ठीक है, आपको कम से कम ऐसा प्रिपरेशन अपने कर लेनी है कि अगर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो मैं लिख सकता हूँ एग्ज़ाम में, अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ। कई सारे क्वेश्चन आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में से आते हैं, अगर आपने 10 साल के क्वेश्चन भी अच्छी तरह कर लिए तो फिर आप काफ़ी 70 to 80% आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे एग्जामिनेशन में। लेकिन शर्त यही है कि आपको अच्छी तरह करने हैं 10 साल के क्वेश्चन, क्योंकि कई बार क्वेश्चन भी घुमा दिए जाते हैं, वो पिछले साल में आ रखे होते हैं लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, जिससे बच्चे कई सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको अच्छी तरह लर्न करने हैं, अच्छी तरह समझ समझ के पढ़ना है, 2 से 3 बार आप इसको कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी इनफ रहेगा। सेकेंड मैं बात करूँ, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं रही और आपने लिखा भी अच्छा है तब भी मार्क्स कई सारे कट जाते हैं। ठीक है, आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी है, जहाँ तक कोशिश कीजिए आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखिएगा थ्योरी सब्जेक्ट में। कोशिश कीजिएगा पैराग्राफ वाइज आंसर ना दें, मतलब पैराग्राफ में आप अगर लिखते रहेंगे तो फिर वो काफ़ी चिपचिपा सा आंसर लगेगा और वो प्रेजेंटेशन है वो आपकी थोड़ी सी बिगड़ सकती है। दोस्तों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा पेंसिल से या पेन से। देखिए, थ्योरी सब्जेक्ट में एक्सप्लेनेशन आप अच्छी रखिएगा, एक्सप्लेनेशन में कोई कमी मत छोड़िएगा। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छी तरह एक्सप्लेन करें। ठीक है, अपने वर्ड्स लिमिट को पूरा करें, अब वर्ड्स लिमिट से आपकी कम तो मत लिखिएगा, अच्छी तरह ज़्यादा ही लिख के आइएगा, जितना हो सके उतना ज़्यादा ही लिखिएगा, अच्छी तरह एक्सप्लेन करना, खासकर उस थ्योरी सब्जेक्ट में। दोस्तों प्रैक्टिकल सिलेबस में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो फिर अगर आप डायरेक्ट पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो फिर आपको वो सोल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने कभी बुक खोली ही नहीं है तो आप कैसे कर पाएंगे पिछले साल के क्वेश्चन। तो आई प्रेफर यू कि आप पहले बुक को क्वेश्चन कीजिए, बुक के एग्जाम्पल सोल्व कीजिए, चैप्टर वाइज चैप्टर, एग्जाम्पल वाइज एग्जाम्पल, कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट आप आगे बढ़िए। हर एक कंसेप्ट का एक एग्जाम्पल जरूर कीजिए, जिससे कि आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते रहे और एग्जाम्पल भी क्लियर होते रहे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो फिर आप अगर हाथ से सोल्व नहीं कर सकते तो कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी आंसर निकाल के आगे बढ़ते रहें, लेकिन कंसेप्ट वाइज क्लियर करें, रट्टाफिकेशन मत मारिएगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में खास करके। अगर आपने पूरी बुक के हर एक कंसेप्ट के हर एक एग्जाम्पल कर लिए हैं, एक एक एग्जाम्पल भी अगर मान लीजिए कर लीजिए हैं हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के, ठीक है, तो फिर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन एटलीस्ट कीजिएगा 2 बार से 3 बार, पिछले 5 साल के क्वेश्चन प्लस बुक के हर एक एग्जाम्पल हर एक कंसेप्ट के अगर आप कर लेते हैं तो डैट इज़ इनफ फॉर यू, आप एक एग्ज़ाम पे काफ़ी अच्छा स्कोर करने के लिए रेडी हो जाएंगे। दोस्तों प्रेजेंटेशन की, प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी रखिएगा, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें आपका फॉर्मेट वॉर्मेट सब ध्यान रखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक में अपना जो है ग्राफ व्राफ अच्छी तरह देख के रखिएगा, और थ्योरी सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं तो थ्योरी सब्जेक्ट में अपना एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप, एग्जाम्पल ज़रूर लिख दीजिएगा अंडरलाइन करके एग्जाम्पल दिस। ठीक है, और अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अपनी प्रेजेंटेशन प्लस अपना प्रिपरेशन अच्छी रखिएगा। दोस्तों टिप्स को फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट ऑल्सो फॉर योर एग्ज़ाम। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा।
अगर आपको कोई फर्दर क्वारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।